आप आवाज सुन रहे हैं वो आवाज हालांकि बरसों पहले खामोश हो गई थी, लेकिन आज भी उस आवाज को सुनकर सुनने वाले अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, अपना तनाव भूल जाते हैं। मन रे तू काहे ना धीर धरे। यह आवाज है मोहम्मद रफी की, जिनका निधन हालांकि कई साल पहले, दशकों पहले हो गया, लेकिन आज भी जब उनके गाए हुए गानों को हम सुनते हैं तो आनंद में डूब जाते हैं। आखिर उस आवाज में ऐसा क्या राज है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे दुनिया के कुछ विश्वविद्यालय में उस आवाज को लेकर कुछ क्या अध्ययन हो रहे हैं। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। दुनिया का एक नामी विश्वविद्यालय है जहां उनकी आवाज के सैंपल रखे गए हैं, और वहां के जो शोध करने वाले शोधार्थी हैं, वहां के विद्यार्थी हैं, वो उन सैंपल्स के आधार पर अध्ययन करते हैं आवाज के बारे में। कि तो हमने बात की मोहम्मद रफी साहब के ग्रैंड सन इन लॉ से, फिरोज अहमद साहब से, जो कि बहरीन में रहते हैं। उनको कई विश्वविद्यालय में, कई जगह, कई प्रोग्राम में बुलाया जाता है। रफी साहब्स फ्रेग्रेंस वाज बियॉन्ड बैरियर्स ऑफ नेशनलिटीज एंड कल्चर्स एंड क्रीड एंड रिलीजन। तो उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया का एक विश्वविद्यालय है, काफी मशहूर विश्वविद्यालय है, जहाँ पे मोहम्मद रफी साहब के आवाज के सैंपल्स रखे गए हैं, और उन सैंपल्स के आधार पर वहाँ के विद्यार्थी आवाज के बारे में, ध्वनि के बारे में, जो गीत है उसका क्या मतलब, आवाज के क्या, किस तरह से आवाज का उतार चढ़ाव होता है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं मोहम्मद रफी साहब के ग्रैंड सन इन लॉ फिरोज अहमद साहब से। कोई ऐसा वाकया याद है या कुछ हुआ है कि जिससे आपको एक गर्व लगा हो, गर्व महसूस हुआ हो कि आप कितने बड़े गायक के परिवार से हैं, ऐसा कभी? ये जैसे ये जैसे हमने एम्स्टर्डम शो के बारे में बताया, इसमें हम कई शोज अटेंड किए हैं, लेकिन ये इस शो में ऐसा हुआ कि पहली बार हमारे आंखों में भी आंसू आ गए थे कि ये सारे मतलब बिल्कुल ही फॉरेन कंट्री से हैं, और वो हमारे सामने गाते हुए खुद वो रो रहे थे, वो इमोशनल हो रहे थे। और जब ब्रेक हुआ तो हम ग्रीन रूम में गए उनसे मिलने के लिए, तो वो सारे इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट से वो मिल रहे थे, कह रहे हैं कि हमको यकीन नहीं हो रहा कि हम आप लोगों के सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो हमने उनसे सिर्फ ऐसा पूछा कि हमने कहा आपको तो ना हिंदी उर्दू आती है, तो क्या आप इंडियन फिल्में देखते हैं? तो कहते हैं नहीं। तो हमने कहा क्या आप इंडियन म्यूजिक फॉलो करते हैं? तो कहते हैं नहीं। तो हमने कहा फिर आप तो रफी साहब के गाने कैसे गा? तो उन्होंने कहा कि वो उनमें से तकरीबन सारे जो हैं वो डॉक्टरेट्स थे म्यूजिक में, PhD उन्होंने यूनिवर्सिटी से किया हुआ। तो उन्होंने से किसी ने कहा कि उनके सिलेबस में जो है, जब वो डॉक्टरेट कर रहे थे तो जब वॉइस कल्चर का जो टॉपिक है उसमें साहब के जो है ना वो वॉइस को एज अ सैंपल यूज करते हैं, तब हमको जो है जैसा आप कह रहे हैं कि वो गर्व वाली बात के हमने ये बात तो हमको भी नहीं पता थी कि मतलब यूनिवर्सिटीज में, बाहर की यूनिवर्सिटीज में उनका एक एग्जाम्पल लिया जाता है, और इस तरह वो जो है वो उनकी म्यूजिक से फैमिलियर हुए या उनको पता चला, और उन्होंने कहा कि भाई उस आवाज सुनने के बाद फिर हमने किसी और को सुनना मुनासिब ही नहीं समझा, और फिर वो सारे इतने फैंस हो गए कि फिर वो उन्हीं के गाने सुन के, उन्हीं के गाने प्रैक्टिस करके वो शोज भी करने लगे। तो वो एक दिन बहुत ही जो था वो जैसे आप कहते हैं कि बहुत ही प्राउड मोमेंट था, और क्योंकि जो जो उर्दू हिंदी समझने वाले हैं वो तो सारी दुनिया में यू नो फैंस हैं, वो चाहते ही हैं, लेकिन ना समझने वाले जिनको एक वर्ड या अल्फाज का मीनिंग तक नहीं पता, सिर्फ आवाज की क्वालिटी से वो इतने मुतासिर हो सकते हैं कि वो इतने बड़े फैंस हो जाए। ये
बहुत बड़ी बात है, खैर बहुत बड़ी बात। वहाँ पे और किसी गायक के का भी सैंपल होगा क्या, मतलब वो जो जानकारी आप? नहीं, उन्होंने कहा कि वो हो सकता है और भी लोगों का हो, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा जिससे मुतासर हुए थे, इम्प्रेस हुए थे, तो वो साहब की आवाज थी, क्योंकि वो बहुत ही बिल्कुल हटके थी। जो वो कहते हैं कि जिस जो आवाज में सफाई थी ना, जो बिना क्या कहते हैं, जिस बिल्कुल शहद की और प्योर जो एक आवाज होती है, तो जब जब वो स्पीकर्स में या हेडफोन्स पे सुनते हैं, तो उसमें थोड़े सी भी जो ग्रेन कहते हैं ना, वो ना कोई ग्रेन होता है, ना कोई उसमें क्रैक होती है, तो वो इतनी साफ और इतनी प्योर आवाज जो है उन्होंने कभी नहीं सुनी। वो उसमें हर दुनिया के हर जगह से लोग थे, यानी कोई एक एक कंट्री से नहीं, कुछ साउथ अमेरिका से थे, कोई नॉर्वे से था, कोई हॉलैंड से थे, सूरीनाम से थे, कोई अफगानी थे, तो वो अलग अलग दुनिया के कोनों में से थे। जो जो खासियत थी कि वो उन्होंने हमको टेक्निकली समझाया कि कई अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गुरु हैं, उस्ताद हैं, लेकिन जब वो हाई नोट पे जाते हैं तो वो एक एक नेचुरल सी चीज़ है, एक ह्यूमन वो सिस्टम है कि जैसे आपकी वोकल ऊपर जाती है, हाई नोट पे जाती है, तो वो नैरो हो जाती है, आपकी आवाज़ पतली हो जाती है, वो आप कुछ भी करें और थोड़ा सा नेजल उसमें आ जाता है। लेकिन साहब का ऐसा था कि आप देखें कि वो नीचे से रहें या मध्यम में रहें या ऊपर हो, वो उनकी आवाज का जो जो कहते हैं जो नली होती है ना, वो बिल्कुल सीधी जाती है, वो ऐसे टेपर होके नैरो नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा अजीबा है, मतलब वो क्या उनकी रेंज थी, और उस रेंज में भी आवाज को वही गुलाहट होना, वही बेस होना, और बिल्कुल सुर को पकड़ के उसमें थोड़ा सा भी ना वाइब्रेशन होता है। आप कई सिंगर्स को सुनेंगे कि वो हाई नोट्स पे जाते हैं या होल्डिंग नोट्स पे उनकी वाइब्रेशन आ जाती है, या वाइब्रेशन डालते हैं ताकि वो सुर में रह सके, वाइब्रेशन को इस्तेमाल करते हैं विब्राटो, लेकिन आप देखें साहब की आवाज में वो कोई चीज बिल्कुल ही प्योर, बिल्कुल सेहत की तरह। तो ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आपसे बात करके मुझे लगता है जो भी इंडिया में या बाहर होंगे जो रफी साहब को चाहने वाले के अलावा जो संगीत के प्रेमी हैं और जो संगीत के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने, महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, आपने देखा कि अभी भी आज भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज की प्रासंगिकता बनी हुई है। तो आगे और भी हम अगले वीडियो में इस तरह की और भी जानकारी देंगे फिल्मों के बारे में, गीतों के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नई कहानी, कोई नई जानकारी लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार।